नमस्कार दोस्तों एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और स्पेशल हरियाणा में दोस्तों नरवाणा की जो सिरसा नहर ब्रांच है यहाँ पर एक बुरी खबर आई है बता देता हूँ मैं कल जो पेग्गा गांव के छह युवक यहाँ पर नहाने के लिए आए थे युवा थे सभी बीस बाईस साल के लड़के नौजवान साथी बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ नहाने के लिए आए थे और मेरे पीछे आप जो ये कट देख रहे हैं नहर का सिरसा नहर ब्रांच है ये और ये कट है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ इस जगह पर नहाने के लिए उन्होंने तैयारी की थी नहाए भी है यहाँ पर और एक व्यक्ति एक लड़का उनमें से अभी तक लापता है एक बड़ी घटना नरवाना की जो सिरसा नहर ब्रांच है वहाँ पर है कल से उसकी तलाश जारी है अभी तक वो नहीं है मिला यहाँ से तो अभी पूरी उनके परिवार के लोग ढूंढने में उनको लगे हुए हैं अभी तक लापता है और जो पांच युवा थे उनके साथ क्या कुछ सूचना मिली है उनकी तरफ से अभी जो इनके परिवार के लोग हैं वही बताएंगे इसके बारे में नमस्कार जी क्या नाम है जी आपका राजेश कुमार है कौन जी? से गाँव से गाँव पेगा तो कल क्या कुछ घटना हुई जी बताया जा रहा है की छह युवा थे जिसमे से एक लड़का आपके चारे 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 जी परिवार वाले ने बताया है, मैं तो एक्चुअली बाहर रहता हूँ ऐसे तो आठ बजे ही फोन गया था वो घर से एक बजे बाल कटवाने की बात कह क्या निकला था अच्छा जी तो क्या नाम था पहले मेरे को अजय नाम था उनका कितनी उम्र थी करीब इक्कीस साल उम्र है क्या कुछ करता था वो पढ़ता था में। आई टी आई में जी जी अच्छा अच्छा जी तो उसके बाद से फिर शाम को छे छह बजे कोई सरपंच गया गांव का घर नहीं नहीं कल जब उनके जब वो घर से निकला तो कब सूचना मिली भाई वो से इस समय या कुछ कह के गया था भाई मैं ना आ, हाँ, वो घर से तो करीब एक डेढ़ बजे यही कह के निकला मैं बाल कटवा के आ रहा हूँ अच्छा अच्छा बाल कटवा हाँ तो उसके बाद घर पहुंचा नहीं फिर तो फिर शाम को छह बजे करीब सरपंच गया गाँव का सरपंच गया हाँ तो उसने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे वो अन्हर में डूब गया हो और ये मतलब जो उसके साथ चारों पंचो थे के हैं है। बच्चे उन्हीं के साथ आया नहीं जैसे ने बता तो बताया जो सरपंच ने बताया वो यहाँ मिले हैं या जो उनके साथ थे या कैसे भी है क्या कुछ बताया उन्होंने अब मैं वही तो बता रहा हूँ मैं तो मौके पे था नहीं ना अभी मैं तो अब मैं तो सवेरे ही आया हूँ वहाँ गाँव से बताओ बता दो जी कि... क्या कुछ सूचना मिली भाई क्या बात सामने आई है भाई डुब्बा है क्या हुआ है उन युवाओं ने कुछ बातचीत बताई हो कुछ रखी हो जी लड़के थारे... ने बताया जी क्या मतलब नाने के लिए आए थे अच्छा जी मैं तो उनदे आए का पूरा दारू दारू पी है जी अच्छा अच्छा कितने थे जी वो टोटल मैं 6 लड़के थे जी हां फिर वह कहने का उठा डूब गया मतलब घूट गांठ ले एक दो बार निकलिया भी है बैर जी, अच्छा जी। फिर वो मतलब माम मामला पकड़ने की कोशिश करी है अच्छा फिर वहाँ मतलब रहता छोड़ गया जी और कपड़े फेंक वहाँ बैठ गए जी गाँव में गया जी नहीं वो डूबा जब और पांच थे तो बचाने की कोशिश करी है मारा है जी, कोशिश करी है जी। फिर वहां तो कहूंगा हाथ नहीं लग गया जी डूब गया चल डूब गया सूचना कुछ को फोनिया सूचना नहीं गाँव में जाएगा सूचना करिये उन्हें का परिवार था मतलब लड़का का परिवार था कुछ नहीं गया जी

अभी आगा आगा। अभी करवाई है, तो अभी की ही है, क्यों कल से तो रहे थे तो नहीं जी नहीं है नहीं मिला, और उसमे एफ आई आर लिखवा दे हमारा गुम है कल से और उनके भी नाम उसमें लिखवाएगी जी तो क्या कुछ बात सामने आई है कहाँ पर क्या कुछ मतलब इस प्रकार की कुछ बात सामने आई हो कुछ नहीं है अभी तक तो डाउटफुल है जी सारा कुछ क्लियर कुछ नहीं है अभी तक फोन की बात कर रहे थे जी फोन वहाँ जी के पास मिला है कुछ ऐसा कपड़े इधर कह रहे हैं जी कुछ वहाँ गांव में गाँव पे गा के पास जाकर मोबाइल फेंका लड़कों ने फेंका और आज सब पुलिस उससे फोन ना ढूंढ के जाइए कल तो ये बात कैसे पता चली उन लड़कों ने फेंका फोन वहाँ खुद बता जी खुद बताइए पुलिस थाने में जी अच्छा जी कपड़े वगैरह कुछ कपड़े उनके लावा उसका फेंक दिया जरूर टी शर्ट वो जी चपले भी फेंक दी उसकी चले गए नहीं जैसे उसके साथी थे वो भी मिलनसार था वो भी उनके साथ रहता था तो ऐसा क्यों हुआ की उन्होंने घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी दीजिए क्या पता जी हमने क्या मम तो मम ने तो इस बात में बेरा को नहीं जी मैं तो जीवा माम सोचा चालीस किलोमीटर नायर नहीं ना आई ना पाई जी कि मैं तो बात है जी अच्छा अच्छा और नाय नायर तो रास्ता में बहुत हाँ जी और चालीस किलोमीटर नहाने के लिए जींद है जी। अच्छा जी। जी। और... पहले भी कभी यहाँ के लिए आये जी पिछले साल आए थे एक साल पहला जी अच्छा जी आज नहीं आता जी वो नहीं, नहीं आया जी तो कोई जाति दुश्मनी कोई पीछे उन लड़कों के साथ पहले परिवार के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है भाई साहब और क्या आपने वहाँ से कैद दिया है शिकायत तो दी गुमशुदा की दी है भाई हमारा लड़का गुम है दो दिन से कल शाम से हम उसको ढूंढने लग रहे हैं ढूंढने का प्रयास पूरा गया गोता है गोताखोर भी बुलाए हैं गोताखोर ने भी देख प्रयास किया है लेकिन मिली नहीं डेड बॉडी डेड बॉडी जब तक तो नहीं मिलती तब तक तो, तो, तो कुछ कह नहीं सकते हम तो आपने किसी के खिलाफ भी दिया जैसे किसी, हुआ है। किसी के, के खिलाफ नहीं दिया अभी तक गुमशुदा है लेकिन उनको सक्यधारे पे है क्योंकि उन्होंने जो लोअर था उसका वो कहीं डाल रखा है फोन कहीं डालिया है सिम कहीं डाल रखी है तो इसी के सकेदार पर उनको रो, रोक रखा है उन्होंने पूछताछ भी करी वो भी यही कह रहे थे हमारे साथ नहाने आया था तो हमने पता नहीं था डूबन ला गया उसको बचाने की कोशिश करी बच्चा नहीं मर पाया तो हम डर गए डरने अगर काम गाँव में चले गए वो उसके बाद गाँव में भी गए वो अच्छा गाँव में जाने के बाद अपने परिवार में गए उनके अपने घर वालों ने तो बोलिया भाई इस तरह बात होगी मर पा तो उसके घर के सरपंच के पास गए सरपंच ने जिसका लड़का डूबा है उनको सूचना दी भाई इस तरह आपका लड़का नहर में डूब गया तो फिर उसके बाद गांव के लोग काफी लोग आएंगे दस पंद्रह गाड़ी पर कहेंगे सुबह भी दस पंद्रह गाड़ी आई थी तो काफी प्रयास करे अभी तक मिली नहीं है लास्ट तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती क्या होगा उसके बाद देखेंगे क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी

अब उस चीज का नहीं नहीं पता सर क्योंकि पास में तो थे नहीं नहीं तो 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 जैसे वो है। कह रहे हैं अभी तक तो, तो ब्लाइंड किया है या खुद डूबा है पैर फिसला है जो भी जैसा भी हैं गया से क्या बस यही मांग है। कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और मतलब जैसा भी है जो भी है जल्दी जल्दी क्लियर करें बस हमारा तो भाई गांव के और एक और बात पूछना चाहता ऐसे बताया जी गांव पंचायत है कल भी और आज भी थाने में में सदर थाना में जी हाँ तो क्या थी कुछ पंचायत की तरफ से वहाँ बात उसमें जी हम तो अवेलेबल नहीं थे हम एक्चुअली चंडीगढ़ से आए हैं दोनों भाई हैं चाचा का लड़का हुँ। था हुँ। हमारे तो यहाँ पे जो थे आगे तो तभी हो गए ना जब तक हमारा लड़का नहीं मिलता है नहीं जैसे कल भी आए थे आप आज भी पंचायतपुरी आए कल भी इसीलिए आए थे पर उन्होंने बताया कि नायर में डूब गया तो इशे कर काय थे पर नायर में डूब गया तो उसकी तलाश करो गोताखोर भी बुलाए थे शाम ने ज्यादा अंधेरा हो गंधेरा में देख नहीं पाए गोताखोर ने बताया भी 7:00 बजे आ पाइए 7:00 बजे आ इसलिए जाल वगैरह लगवा दिया जाल वगैरह तो नहीं लगा दी वैसे खुला है गोताखोर ना हर हेड पे बंदा बैठा है

तो भाई देख सकते हैं यहाँ जो नरवाना की सिरसा नहर ब्रांच है यहाँ पर कल एक घटना घटी है और घटना भी एक नौजवान जो साथी यहाँ पर नहाने के लिए आए थे छः युवा जिनमें से एक डूबने की सूचना आई है जब तक वो नहीं मिल पा मिल जाता हम कुछ नहीं कह सकते भाई कहाँ गया कैसे है कुछ क्या कुछ है उसके बारे में भाई अभी मतलब सस्पेंस बना हुआ है जब तक नहीं मिल पाता या फिर डेड बॉडी या जैसे भी जिस भी कंडीशन में वो मिलेगा उसके बाद ही बात कही जा सकती है फिलहाल ये जो खबरें दिखाई जा रही है नरवाना के जो सिरसा नहर ब्रांच है यहाँ से दिखाई जा रही है फिलहाल ये वीडियो यहीं तक थी एन न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना धन्यवाद वंदे जय हिंद जय भारत